दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है हमेशा की तरह। अब सपा ने आखिरकार शिवपाल और राजभर को कह दिया है कि आप जाना चाहते हैं जहां भी जाएं, हमारी तरफ से आपको कोई रोक टोक नहीं है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और विधायक शिवपाल सिंह यादव को एक चिट्ठी लिखी और उन्हें दो टूक कह दिया कि अगर उन्हें लगता है कि उन्हें कहीं और ज़्यादा सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, तो वो आज़ाद है, वो कहीं भी जाए। और दोनों नेताओं को ये अलग अलग चिट्ठी जारी की गई है। और दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि वह अखिलेश यादव की तरफ से दिए गए तलाक का स्वागत करते हैं, हम उनसे अलग रह के भी खुश रहेंगे। और उन्होंने ये कहा है कि काफ़ी तंज भरा उन्होंने लहजा इस्तेमाल किया और वो कहते हैं कि ईश्वर करे कि अखिलेश यादव कभी भी एसी से बाहर ना निकले। और आगे की संभावनाओं पे उन्होंने कहा कि वो बसपा नेता से मुलाकात करेंगे। अखिलेश के साथ अपनी खींचतान और आज की चिट्ठी पर जो प्रतिक्रिया राजभर ने दी है उसमें वो कहते हैं कि उधर से तलाक हो गया है, हमने उसे कबूल कर लिया है। और उन्होंने विधानसभा चुनाव में टिकट के बंटवारे को लेकर अपनी भड़ास निकाली है और उन्होंने कहा कि विधानसभा के चुनाव में हम लड़ते रहे कि अति पिछड़ों और अति दलितों को हिस्सेदारी दो। उनको ये बात बुरी लगी कि मैं हिस्सेदारी मांग रहा हूँ। आजमगढ़ में खुद कहा था कि चौहान या कुशवाहा को टिकट दे दो, लेकिन लड़ेगा तो यादव। हम यादव और मुसलमान के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब आपका वोट बिखर रहा हो, छिटक रहा हो, तो नया वोट बैंक पैदा कीजिए। ये कहना उनको बुरा लग गया। वहीं एक चीज और है दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात पर सपा की तरफ से साधे गए निशाने पर उन्होंने कहा कि हम योगी से मिले तो क्या गुनाह है, पर अखिलेश बुलाए मिले तो बहुत अच्छा है। दरअसल सीएम योगी ने पिछले दिनों एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लखनऊ दौरे पर आयोजित डिनर में राजभर को भी बुलाया था और वहीं आगे की संभावनाओं के बारे में उन्होंने पूछा था। पर राजभर ने कहा था कि वे बसपा नेता से मुलाकात करेंगे और उन्होंने ये भी कहा था कि बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, हम उनसे मिलेंगे और बात करेंगे। मैं जिसे चाहता हूँ उसे मिलता हूँ। बीजेपी और हमारा जो संबंध है वो टूट नहीं सकता। और ये बात अखिलेश को चुभ गई। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर सपा की चिट्ठी आई क्यों। लंबी खींचतान के बाद आखिरकार समाजवादी पार्टी ने राजभर से ये कह दिया कि वे जहां जाना चाहते हैं जाएं, आज़ाद हैं। और अपनी चिट्ठी में सपा ने राजभर पर बीजेपी को मजबूत करने का आरोप भी लगाया है। और सपा ने अपनी चिट्ठी में लिखा, ओम प्रकाश राजभर जी, समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ है और लगातार भारतीय जनता पार्टी को आप मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको वही सम्मान मिलेगा, वही आपको इज्जत मिलेगी, तो आप वहां जाने के लिए आजाद हैं। तो दोस्तों आप देखिए, उन्होंने जाने की इजाज़त दे दी है और उन्होंने भी इस अखिलेश यादव द्वारा दिए गए तलाक का स्वागत कर लिया है। मैं अक्सर आपसे बोलती हूँ कि राजनीति में कुछ भी प्रडिक्टेबल नहीं होता, सब कुछ अनप्रडिक्टेबल होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये भी वैसी ही बात है। आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और एक बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।